हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 15C क्लास 7 RS अग्रवाल में। इससे पहले हम 1, 2, 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 15C के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 4 इज AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है AB C M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट क्योंकि कह रहा है AM इज द मीडियन। मीडियन क्या होती है? मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने, ये मीडियन होती है ना, फिगर गिवन है इसमें। तो हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूव कि प्रूव डेट AB plus BC plus CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस AM। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि तीनों साइड्स का सम या पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर टू टाइम्स ऑफ मीडियन। ये हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए प्रूफ, बहुत छोटा सा प्रूफ है। ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल लिख लिया, सिलेक्ट कर लिया। इन ट्राइंगल ABM हमें मालूम है कि दो साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ओके, तो AB plus BM दो साइड्स हो गई, AB plus BM क्या होगा, इज ग्रेटर देन AM। इस वाले ट्राइंगल की ABM की ABBM साइड्स हैं और AM थर्ड साइड्स है, तो ये होगा, इसको डाल दो 1। और ये क्या कहलाती है, इक्वेशन तो इक्वल होता है, ये कहलाती है इनक्लूटीज। और कॉस समझ गए सम, चलो इसमें मैं लिख देता हूं क्यों है ये, बिकॉज वी नो डेट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ओके, ये हमने कॉस लिखा। अब जो अनशेडेड है वाला ट्राइंगल ले लो ACM। नाउ इन ट्राइंगल ACM इसमें भी आइडेंटिटी लगा दो, सम ऑफ टू साइड्स AC plus CM, तो क्या होगा, AC plus CM इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। कौन सी इसके लिए, AM। देखो AC plus CM ग्रेटर होगी AM, इसको डाल दिया सेकंड इक्वेशन, सेम कॉस है। अब इक्वेशन में मुझसे गलत हो गया, इंक्लूडिंग एडिंग, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग बोथ इन इक्वलिटीज, क्या बोलते हैं, इन इक्वलिटीज। ओके, अब जरा एक बात समझ, जब अगर ग्रेटर के साइन हो दोनों तो ऐड करने पर ग्रेटर ही आएगा, लेस देन के हो तो लेस देन आएगा, लेकिन एक ग्रेटर एक लेस देन हो तो हम बता नहीं सकते क्या आएगा, है ना, तो ऐसा आएगा भी नहीं आपके पास। अब मैं आपको समझा दूं, जैसे हमें मालूम है 7 is greater than 3, 7 3 से ग्रेटर होता है, और 5 is greater than 1, ये फर्स्ट इनक्लूडी, ये सेकंड। जरा ऐड करें, 7 plus 5 क्या आएगा 12, और 3 plus 1 क्या आएगा 4, देखो 12 4 से ग्रेटर है, तो जो इनक्लूडी होती है वही आ जाती है, मतलब जो साइन है बीच में ग्रेटर है तो ग्रेटर, ऐड करने पर और सेम सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी सवाल में सब्ट्रैक्ट के लिए भी आ सकता है तब भी, अगर दोनों सेम है या एक इक्वल हो और एक ग्रेटर हो तो ऐड करने पर ग्रेटर आएगी, एक इक्वल हो एक लेस देन हो तो ऐड करने पर लेस देन आएगी। ओके, जब ऐड करा तो ऐड करो, देखो AB plus AC पास पास लिख ले रहा हूं, तो मैं लिखता हूं AB plus AC plus BM plus CM पास पास लिख लिया, BM plus CM इज ग्रेटर, और राइट हैंड साइड क्या है AM, और इसकी भी क्या है AM, बस हो गया प्रूफ। तो AB plus AC plus BM plus CM मिलकर देखो क्या हो जाएगा, BM plus CM मिलकर BM plus CM या MC क्या पूरा हो गया BC, तो ये हो गया BC। AM plus AM twice AM, यही तो प्रूफ करना था, hence प्रूफ, ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5 इज इन द गिवन फिगर P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, कहीं भी हो सकता है, उसमें क्या था, M था मिड पॉइंट, मीडियन का मिड पॉइंट, ये कहीं भी है ना, प्रूव डेट AB plus BC plus AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस AP, बिल्कुल सेम है हमें, देखो मीडियन का तो कोई यूज हुआ नहीं था, कोई भी कहीं भी हो, हम कहीं भी पॉइंट हो सकता है, सेम रिजल्ट आता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज ग्रेटर देन, ये जो भी अगर मीडियन है तो टू टाइम्स ऑफ मीडियन या जो भी साइड्स है वो, तो वही करेंगे सेम, बिल्कुल इसी तरह, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो या ये वाला ले लो, आप पहले ये भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रूफ लो इसका, अगर किसी को नहीं फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो दोबारा समझ लो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एक तरीके से, बस वहां AM मीडियन दिया, मीडियन नहीं है AP, और कुछ नहीं है। तो हमने लिया
इन ट्राइंगल ए बी पी सम ऑफ टू साइड्स ए बी प्लस बी पी इज ग्रेटर देन ए पी, तो लिख देता हूं कि ए बी प्लस बी पी इज ग्रेटर देन ए पी. फर्स्ट इनइक्वलिटीज, कॉस सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स. ओके, सिमिलरली नाउ इन ट्राइंगल ए पी सी. ओके, लेते हम इन ट्राइंगल ए पी सी, क्या होगा, ए सी प्लस पी सी इज ग्रेटर देन ए पी, कॉज वही सेम ऊपर वाला एज इट उतार लेना है ना, ब्रिंग डाउन कर लेना, दोनों को एड कर दो. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आप क्या लिखोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इनक्लूडीज, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में एड होगी ए बी प्लस बी पी. फर्स्ट इक्वेशन वो इनइक्वलिटी का क्या था, ए बी प्लस बी पी, यहां की लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए सी प्लस पी सी इज ग्रेटर देन ए पी प्लस ए पी. अब क्या करेंगे, ए बी तो ये है, ए बी के पास मैंने ए सी लिख लिया और बाकी इन दोनों को पास पास लिख लिया, जो उस पर पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया था वो मैंने पूरा पूरा कर दिया है. ए पी प्लस ए पी ट्वाइस ए पी. अब फिगर में देखो बी पी प्लस बी सी क्या है, बी पी प्लस पी सी मिलकर हो गया, देखो बी पी ये रहा, इस पे प्लस कर दे पी सी, तो क्या होगा यहां से यहां तक, ये क्या है बी सी. ओके, तो इसकी जगह आ जाएगा बी सी. सो प्रूफ हो गया कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ए पी, यही हमें प्रूव्ड करना था. ओके, ये प्रूव्ड हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंड देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिस फिगर इज गिवन एंड प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, यानी कि क्या है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर ग्रेटर देन द सम ऑफ बोथ डायगोनल्स. ये डायगोनल्स कहलाते हैं ए सी एंड बी डी, और चारों साइड्स का सम पेरीमीटर होती है किसी, है ना, कभी कभी ये पूछा था कि सो दैट द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डायगोनल्स, कभी कभी ये लैंग्वेज लिखी आ जाती है, इसमें बोलना चाहिए, तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है. करते हैं प्रूफ लो इसका. देखो ए बी प्लस बी सी कहां से आ रहे हैं, ए बी प्लस बी सी से आ रहे हैं, तो यानी कि अलग ट्राइंगल ले लो ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ई सी, वही सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ई सी. अब दिमाग में ये आता है सी डी प्लस डी ए कर दें, सी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन सी डी प्लस डी ए करो तो ए सी ही आ रहा है, हमें दूसरा डायगोनल चाहिए बी डी, तो लेंगे तो हम सी डी प्लस डी ए, चारों साइड्स लेंगे, चार बार करना पड़ेंगे. मतलब क्या, हमने पहले लिया एक ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल लो बी सी डी, कौन सा, याला ये जो मैं दिखा रहा हूं है ना, ये और ये, तो कौन सा ट्राइंगल हुआ बी सी डी, तो ले लो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन, अभी कौन सा डायगोनल आ गया, दूसरा बी डी, इसको इन इक्लूडी डाल दो सेकेंड. अब लेंगे हम याला सी डी प्लस डी ए, जिसके साथ कौन सा, समझिए सी डी प्लस डी ए. नाउ इन ट्राइंगल, ऐसा क्यों ले रहे हैं, अगर दिमाग में था हम ऐड करें तो ये तो आ गया, जब ऐड करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, बी सी दो बार आ रही है, एक साइड रह गई, तो एक साइड लेने के लिए हमें ये लेना पड़ रहा है, कौन सा सी डी ए. नाउ इन ट्राइंगल सी डी ए, सी डी प्लस डी ए वही सम ऑफ टू साइड, सी डी प्लस डी ए क्या होगा, ग्रेटर देन, ये कौन सा डायगोनल है, ए सी इज ग्रेटर देन ए सी, इसको डाल दो थर्ड नंबर. आप क्या लेंगे हम, ए डी प्लस ए बी याला लेंगे, बस हो जाएगा चारों गेट कर देंगे. इन ट्राइंगल द्वारा देख लो कौन सा, ए डी ए बी या ए बी डी कुछ भी ले सकते हो आप, तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, डी ए प्लस ए बी सम ऑफ टू साइड्स, यानी कि डी ए प्लस ए बी, ये हमेशा ग्रेट होता थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सी है इसकी, डी ए प्लस ए बी थर्ड साइड से बी डी, तो इज ग्रेटर देन बी डी, और ये हो गई फोर्थ. इन फोरों चारों को एड कर लीजिए, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, जरा एड करें, देखो चलो लिख देता हूं, लेफ्ट साइड लिखता हूं पहले ए बी प्लस बी सी, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी, फिर दूसरे की है
यानी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, थर्ड ईरा सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए और लास्ट डी ए प्लस ए बी। ग्रेटर का सिंबल है तो ग्रेटर ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या, राइट हैंड साइड में ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। चलो लिखी देते हैं, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। अब जरा ध्यान देना, देखो ए बी, ए बी ट्वाइस, ए बी ट्वाइस डायरेक्ट कौन ले सकते हो, बी सी प्लस बी सी ट्वाइस बी सी, सी डी प्लस सी डी ट्वाइस सी डी, डी ए प्लस डी ए ट्वाइस डी ए। ऐसे सामने ए सी प्लस ए सी कितने, ट्वाइस ए सी, और बी डी प्लस बी डी कितने, ट्वाइस बी डी। इसमें टू ले लिया कॉमन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, राइट हैंड साइड से भी टू आ गया कॉमन, तो ए सी प्लस बी डी, और ग्रेटर है, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, इंक्लूडी चल रही है, इक्वेशन दिमाग रहती है, तो ग्रेटर का सिंबल था ना ग्रेटी, तो ये तो ग्रेटर आएगा। टू से हो गया टू कैंसिल, तो ये प्रूव करना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, तो ये आपका हो गया प्रूव। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेवन, चलिए अब उसे करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन इज इफ ओ इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के बाहर एक पॉइंट ओ है, सो डेट ट्वाइस ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसी टाइप का सवाल है, करते हैं इसका प्रूफ। देखो ये ट्राइंगल ले लो, हमें ओ ए प्लस ओ बी कहां आ गए, ओ ए प्लस ओ बी सॉरी ट्राइंगल किसमें, ए बी ओ या ए ओ बी कुछ लिखो, तो सबसे पहले ले लो इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ओ ए प्लस ओ बी चाहिए तो ले लो ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन, थर्ड साइड कौन सी है, ए बी, इसको डाल दो फर्स्ट इनइक्वलिटी, लिखना चाहे कॉस एक में लिख दे रहा हूं बाकी दो में नहीं लिखूंगा मैं, क्या सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, साइड्स तो एक ही थर्ड, थर्ड साइड्स ओके। अब हमने कौन सा लिया था, ओ क्या लिखा है, ए ओ बी, ए ओ बी, तो एक और दिख रहा है हमें कौन सा, बी ओ सी इसके नीचे वाला, और एक ही दिख रहा है वाला ए ओ सी, तीनों लेंगे कोई सा भी पहले लिख सकते हो उससे कोई फर्क नहीं है, तब ले रहे हैं बी ओ सी, आपका मन है ए ओ सी लेने के आला तो चलो ए ओ सी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं है। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ सी तो क्या लिखेंगे, दो साइड्स कौन कौन सी, ओ ए प्लस ओ सी, क्योंकि साइड ओ ए ओ सी आ रही है तो सब ओ ए प्लस ओ सी साइड लिखेंगे, सामने ए बी ए सी ए बी जो भी आ रहा होगी, तो हमने लिखा ओ ए प्लस ओ सी, दिख गया ना जरा ओ ए प्लस ओ सी, थर्ड साइड कौन सी है ए सी, तो इससे ग्रेटर होगी, इज ग्रेटर देन ए सी, ये होगी सेकेंड इनइक्वलिटीज। अब थर्ड ले लो ओ बी सी या बी ओ सी से बोलते हैं इन ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी ओके, इन ट्राइंगल बी ओ सी, तब क्या लिखेंगे हम, बी ओ या ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, तो लिख दो ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, ये आ गई हमारी थर्ड इनइक्वलिटीज। तो एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इनइक्वलिटीज, तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट क्या ओ ए प्लस ओ बी, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड क्या ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी प्लस थर्ड साइड क्या है ओ बी प्लस ओ सी, हमने अभी बताया था ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, अभी मैं समझा दूं इस क्वेश्चन के बाद क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ग्रेटर क्यों होता है, लेस देन तो लेस देन क्यों होता है, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ये तो हो गए सब। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है, ए बी है ये रही फर्स्ट में, यहां ए सी या बी सी, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ओ ए कितने हो गए ट्वाइस ओ ए, ओ बी ट्वाइस ओ बी, ओ सी ट्वाइस ओ सी इज ग्रेटर देन ए बी,
के साथ बीसी लिख ले रहे हैं और सी ए या सी ए एक ही बात होती है, ए सी ए सी ए, क्योंकि प्रूफ में स्टेप पे लिखा हुआ तो स्टेप में लिख लिया। यहां टू कॉमन आ जाएगा तो इसमें हमने टू ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये आपका हो गया प्रूफ। तो जब सवाल प्रूफ हो गया ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्रेटर और ग्रेटर इंक्लूडिंग ऐड करने पर ग्रेटर कैसे आती है, इक्वल और ग्रेटर पर ग्रेटर क्यों आती है। देखो समझो, देखो फाइव इज ग्रेटर देन थ्री है, होता है फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, और सेवन इज ग्रेटर देन टू होता है ना, इन दोनों को जरा ऐड करो, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व और थ्री टू फाइव। तो देखो ये क्या ऐड करने पर क्या है, जो इंक्लूडिव हुई आई ट्वेल्व इज ग्रेटर देन, ओके जरा लेस देन वाला देखते हैं, थ्री इज लेस देन फाइव और वन इज लेस देन फोर होता है, ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड, थ्री प्लस वन फोर और फाइव और फोर नाइन, इधर का क्या है लेस देन है, देखो जो इंक्लूडिव वही आई। अब जरा एक इक्वल हो और एक, अगर एक ग्रेटर है और एक लेस देन है तो हम नहीं बता सकते क्या आएगी, नंबर दिया हो तो हम नंबरिकल वैल्यू को देख के तो बता सकते हैं, मतलब एक्स वाई जो लिखा होता है एबीसीडी उसमें नहीं बता सकते। दूसरा देखो, हमने देखा कि फाइव इक्वल टू फाइव होता है और सिक्स ग्रेटर है फोर के, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर दे रखिए एक इक्वल एक ग्रेटर, तो इंक्लूड होती है वही आती है। जब ऐड करें देखें, सिक्स प्लस फाइव इलेवन और फाइव प्लस फोर नाइन, तो इलेवन क्या है नाइन से ग्रेटर है, देखो ग्रेटर आ गई। तो अगर एक इक्वल हो एक ग्रेटर हो दोनों को ऐड करना तो ग्रेटर आता है, दोनों ग्रेटर हो तो ग्रेटर आता है, दोनों लेस देन हो तो लेस देन हो, सेम वाली तो सेम आती है, इक्वल और जो इंक्लूड दे रखी है वही आती है। एक और समझो, एट इक्वल टू एट, थ्री इज लेस देन फाइव, तो इनको ऐड करने पर लेस देन आएगा। देखो 8 प्लस थ्री कितना हो गया 11 और 8 प्लस फाइव कितना हो गया 13, 11 13 से कैसा होता है लेस देन, तो वही आई। तो आपको क्लियर हो गई डाउट है ना, ये तो अलग चीज थी मैंने समझाई थी, अगर दोनों सिंबल सेम हो इंक्लूडिंग के ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें दोनों के लिए आता है ना। देखा हमने ऐड करके देखा ग्रेटर आया, लेस देन वाला था ऐड करके देखा, अगर आप उसको माइनस कर लो तब भी सेम आएगा, तो थ्री में से वन गया टू और फाइव में से फोर गया वन, कुछ गलत लिख दिया मैंने, थ्री और वन क्या है, थ्री और वन फोर फाइव, फोर लेस देन ही तो लेस देन ही है हाँ, तो और इक्वल हो ग्रेटर हो तो क्या बता रहे थे, इनको जब ऐड करेंगे तो ग्रेटर आएगा, फाइव प्लस सिक्स इलेवन और फाइव फोर नाइन, एक इक्वल एक ग्रेटर तो ग्रेटर आएगा, एक इक्वल है लेस देन है तो लेस देन आएगी। क्लियर, तो ये आपकी इंक्लूडी कंप्लीट, इंक्लूडी कह रहा हूं आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ओके तो ये आप अपने फेयर पर बिना देखे नोट करिए, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे की एक्सरसाइज 15D में जब भी अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो आपकी मिस नहीं होगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इससे उनका भी फायदा हो सकेगा। आजकल स्कूल कोचिंग सब बंद पड़े हैं और मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।